मैं दीपक कुमार बेड़िया समुदाय से नर्तकी का जीवन पेश कर रहा हूँ। ये एक परिवार की कहानी है जो नट कंजर बेड़िया समाज का है। इस परिवार में महज सीमा तथा उसके माता पिता रहते हैं। इस समाज में राजा महाराजाओं के समय से ही कर्तव्य और नाच गाने का रिवाज था। उस समय इस समुदाय को मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलता था। समय बदल गया था। नाच गाने करने वाले समुदाय को देखने कम लोग आने लगे क्योंकि मनोरंजन के साधन आ चुके थे जैसे टीवी फिल्म आदि। इस बदलाव के दौर में इस समुदाय के कई लोग बर्बाद हो गए, पर पेट भरने के लिए लोग एक ऐसे अंधेरी गुफा में चले गए जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और इस अंधेरे से महस और सीमा का परिवार भी नहीं बच पाया। जब सीमा 15 साल की हुई तो वह भी अपनी माँ की जगह ले चुकी थी तथा नाच गाना करने लगी थी। फिर 3 साल बाद सीमा के माँ बाप ने उसे किसी आदमी के हाथ बेच दिया। सीमा भी उस व्यक्ति के साथ रहने लगी। घर का पूरा काम करने के बावजूद भी सीमा पर प्रतिदिन अत्याचार होता था। वह आदमी हर दिन शराब पीकर उसका शारीरिक शोषण करता था तथा मारता पीटता था। इस दौरान वे 2 बच्चों की माँ बन गई। फिर उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। इतना अत्याचार सहने के बाद वे अपने माता पिता और अपने भाई के पास आ गई। अपने दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगी, लेकिन घर चलाने के लिए उनके पास कोई रोजगार नहीं था। इसीलिए उसे अपना खानदानी पेशा नाच गाना ही करना पड़ा, जिसमें महस भी शामिल हुआ क्योंकि उसके पास भी कोई रोजगार नहीं था। सीमा ने नाच गाना करते हुए अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना शुरुआत की ताकि उनकी ज़िंदगी सीमा जैसी ना हो सके और वे समाज में सर उठा के जी सके। आज सीमा बहुत खुश है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा समुदाय ये चाहता है कि इस समुदाय को रोजगार मिल सके, मुफ्त सरकारी आवास, ताकि एक जगह रहकर वह रोजगार कर सके। नाटक या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इस समुदाय के लोगों के उनके अधिकारों की जानकारी दे सके, पुलिस द्वारा उनके ऊपर उत्पीड़न पर रोक लगे। मेरे पास बच गई तेरी कहानी है और खामोश सी एक जिंदगानी है। मेरे रूह की खुशियाँ तू ले गई, इन आँखों में बस दुखों का पानी है। थैंक यू।